गुड मॉर्निंग मनाली। तो गाइज अभी हैं हम अपने होटल पे और प्लान कुछ ऐसा है, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, ये सब नहीं करने वाले हैं क्योंकि पुन्नो की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है और सर्दी काफी है। तो अभी हम लोगों का एकदम से मूड बना कि डलहौजी चलते हैं, लेकिन वहां भी सर्दी काफी है, तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हम चल रहे हैं अब शिमला। एक्चुअली पुन्नो के लिए दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सर्दी ज्यादा है और वो कपड़े पहनती नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं थी पुन्नो की। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं शिमला और वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने होटल से। आप देख सकते हैं ये पीछे हमारे होटल है और पहाड़ियां हैं काफी, आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ पड़ी हुई है। तो अजय जी बताएंगे इन हसीन वादियों के बारे में, कैसा ख्याल आ रहा है आपके मन में? यहाँ पे बहुत अच्छा था कल नाइट का व्यू, जब हम लोग वहाँ पे बैठे थे बॉनफायर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और आज का टेम्परेचर कल के मुकाबले बहुत ज्यादा, मतलब हॉट बोलूंगा मतलब -10 था कल तो। हाँ, और अभी मतलब 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो अभी हमारा जो होटल है बिल्कुल एप्पल गार्डन के अंदर ही है, एप्पल गार्डन है इधर और यहाँ पे हमारा होटल है। तो काफी अच्छा लोकेशन था और काफी अच्छा हमारा ये ट्रिप जा रहा है। बाकी हम लोग चलते हैं शिमला और देखते हैं वहाँ कुछ घूमने को मिलता है, नहीं तो ये जो सड़कें हैं वही घुमा देंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये हमारी क्या बोलते हैं, अनप्लान ट्रिप है, घूमने वाली राइड कम है हमारी, 2020 कोविड आरएक्सएल के लिए ज्यादा है। तो हम लोग 2020 कोविड आरएक्सएल का रिव्यू कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी अच्छी नहीं है, इसका पिकअप नहीं है, फलाना फलाना काफी चीजें। तो हम लोग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इसका जो रियल रिव्यू है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 2020 कोविड आरएक्सएल का रिव्यू अगर आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट कार म्यूजिक हब पर है, कार म्यूजिक हब का यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको प्रॉपर रिव्यू देखने को मिल जाएगा, चाहे वो माइलेज हो, ग्राउंड क्लियरेंस हो, पिकअप हो, जो भी हो, मतलब सारी चीजें हमने बहुत ही बारीकी से वहां शेयर की हैं, तो आप देख सकते हैं। और पहाड़ियों में क्या एक्सपीरियंस है कार का वो भी हम शेयर कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए। और बाकी हम चलते हैं अभी शिमला, तो आज का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज अभी गाड़ी की टंकी हो चुकी है फुल और आज का जो राइड है वो हम मनाली से शिमला के लिए करने वाले हैं। तो गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बारीकी से हम लोग शेयर करेंगे, लाइक माइलेज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी चली है 5,448 किलोमीटर, मतलब हम राउंड फिगर 5,450 ऐड कर लेते हैं और गाड़ी की टंकी हो गई है फुल। तो अभी अपन चलने वाले हैं और देखते हैं क्या माइलेज निकालती है गाड़ी पहाड़ियों में, क्योंकि फुली 300 किलोमीटर पहाड़ियों में ही चलेगी कार। तो अभी जानते हैं एक्सपीरियंस। तो गाइज अभी हम हैं मनाली से 5 किलोमीटर आगे शिमला वाली रोड पे। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में एक वैलून आपको दिखेगा जिसका चार्ज है 1500 रुपीज़ और ये मात्र 5 मिनट की राइड दे रहे हैं। इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग इसमें नहीं घूमेंगे, क्योंकि जब मैंने पैरामोटरिंग लास्ट टाइम की थी तो 10 मिनट का ड्यूरेशन में मुझे वो 1000 फीट की हाइट पर ले गए थे, जबकि ये ओनली 300 फीट पर लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट पर वैलून नहीं जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, पीछे रिवर आपको देखने को मिल जाएगी और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और फोटो वोटो ले रहे हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। बट 1500 रुपीज़ देख के जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम है। ये देखिए ये रिवर है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए वैलून ये। तो अभी मैं आपको 360 डिग्री घुमा के दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का व्यू। तो ये मैं खड़ा हुआ और यहाँ से हमने राउंड लिया, ज़ूम, एक राउंड, सेकंड राउंड में हम बैलून को साथ में देते हैं और ये अभी गाड़ी की पेट्रोल दोबारा से फिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी जो टंकी थी वो फुल करवा ली है और गाड़ी चली है 5,722 और गाड़ी स्टार्ट हुई थी 5,446 से, मतलब जो
गाड़ी चली है वो 280 कुछ, और जो माइलेज आया है वो आया है गाइस 18 किलोमीटर पर लीटर। तो काफ़ी अच्छा माइलेज दिया है गाड़ी ने, प्योर जो पहाड़ियाँ थी और ऊंचे नीचे रास्तों में चली है गाड़ी, तो दूसरा तीसरा गियर बार बार निकालना पड़ रहा था, तो माइलेज कुल मिला के ठीक है। और बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम शिमला में स्टे नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुन्नो की तबीयत हो चुकी है ख़राब और हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। तो फुल नाइट जो ड्राइव करने वाले हैं, आज मेरी ड्राइविंग की भी परीक्षा है क्योंकि मैं फुल नाइट ड्राइव करने वाला हूं अपनी कोयटा एक्सेल 2020 को। तो इसका जो रिव्यू है वो पता चलेगा कि अगर आप लॉन्ग रूट पे इसको ले जाते हैं तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं, तो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं मॉर्निंग में दिल्ली पहुँच के, मतलब नोएडा अपने फ्लाइट पर। तो अभी करते हैं राइड, फुल नाइट चलानी है गाड़ी क्योंकि मैं 300 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चला चुका हूं और अभी 300 किलोमीटर और चलानी है, तो 600 किलोमीटर की ये जो राइड है वो लॉन्ग ड्राइव 2020 कोयटा आरएक्सएल के नाम से मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि है मनाली टू दिल्ली। आप देख सकते हैं हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और फुल नाइट ड्राइव करने वाले हैं और नोएडा पहुंच जाएंगे आई थिंक सुबह 6 या 7 बजे तक, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं सामने वाली जो गाड़ी है वो नहीं दिख रही है, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। तो आई होप कि सुबह 8 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ और गाड़ी की स्पीड आप देखेंगे तो वही 50 अंडर 50 चल रही है, पार्किंग लाइट ऑन है और कर रहे हैं ड्राइव 2020 कोयटा आरएक्सएल के साथ और पहुंचते हैं नोएडा। गुड मॉर्निंग नोएडा गाइज, हम लोग आ चुके हैं मनाली से पूरा ट्रिप खत्म करके। 20 घंटे की राइड है जिसमें गाड़ी ने एवरेज दिया है 18 से 20 का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप। पहाड़ियों में पहली बार इतनी ज़्यादा कार चलाने का मौका मिला मुझे और वो भी मेरी नई कार के साथ। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, गाड़ी का माइलेज अच्छा रहा और अब तक जो रिव्यू है वो ठीक है, बेस्ट है। और ब्रेक वगैरह की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक में मुझे लगा इशू जैसा कि लोग कमेंट करके बताते हैं। 2020 कोयटा आरएक्सएल को अगर आप 100 के अंडर में चलाते हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी टॉप स्पीड भी मैं चेक करूँगा और आपको इसका रिव्यू दूंगा, फिलहाल तो टाइम है वीडियो को एंड करने का। तो गाइज अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आई थिंक हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था दिल्ली से हमने ये ट्रिप स्टार्ट की थी वो वीडियो भी देखने चाहिए, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। बाकी 2020 कोयटा आरएक्सएल का जेन्युइन रिव्यू देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें जहाँ पे आपको 110% जेन्युइन रिव्यू मिल जाएगा। और ये राइड काफ़ी अच्छी रही है और आई होप कि आपको ये राइड पसंद आई होगी और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्रिप जल्द से जल्द प्लान करें। बिल्कुल, तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब।